हिन्दुस्तान में काफी संस्कृत विद्यालय जैन आश्रम के हैं। आश्रम इसलिए बनाए कि लोगों को सुविधा मिले। दूसरा उद्देश्य यही था आश्रम बनाने का कि आने वाले लोगों को आश्रय मिले। पूरे समाज में अपनी सेवा घर तक पहुंचाई है, घर की दहलीज तक पहुंचाई है। ऐसे संत की सेवा निरंतर चलती रहनी चाहिए, इसलिए मैं उनके श्री चरणों में गया। वो हमेशा इस बात को कहते थे कि अपने आप को निस्वार्थ भाव से समाज को प्रति समर्पित होना चाहिए। गुरु का भी यही फर्ज होता है कि उसको अच्छी तरह से त्रास करके समाज की सेवा के लिए उसको आगे बढ़ाए। ये ऋषिकेश में जयराम अंडक क्षेत्र संस्कृत विद्यालय, हरिद्वार में पांच आश्रम, कुरुक्षेत्र में आश्रम और दिल्ली, वृंदावन, बेरी, हरियाणा में बहुत सी संस्थाएं हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद से है, उन्हीं के आशीर्वाद से है। जो लोग महाराज श्री के साथ लगे हैं, जो राजेंद्र गुप्ता जी, नरसिंह दास कंपनी वाले दिल्ली से, इनके पिताजी नरसिंह दास जी, 60 साल से ओपी बागला जी, मगध राम सिंगला जी, और यहां नरवाना के बहुत से लोग बैठे हुए, टीके शर्मा जी, इस कुरुक्षेत्र के बहुत से लोग बैठे हुए हैं। नरवाना जैसे छोटे से शहर की जो उन्होंने ऋषिकेश को सींचा है, द्वार को सींचा, वो सब लोग पुराने महाराज श्री के शिष्य यहां आए हुए हैं। ये सब लोग जानते हैं कि भी संस्था निरंतर जिस तरह से गंगा बहती है, इस तरह से इस आश्रम के माध्यम से सेवा को आगे बढ़ा रहे, सेवा बह रही है। और आज हम उनकी पुण्यतिथि 15वीं पुण्यतिथि बना रहे हैं। पहली पुण्यतिथि पे सभी आश्रम के ट्रस्टियों ने एक आग्रह किया कि महाराज की पुण्यतिथि किस तरह से हर साल मननी चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि भंडारा होना चाहिए, हर साल जब उनकी पुण्यतिथि आए तो एक भंडारा करें। मैंने सब की बात सुनी, मैंने कहा कि भंडारा तो आश्रम में लगातार चलता ही रहता है। अन्नपूर्णा की कृपा है, गायत्री की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, ये तो हर रोज भंडारे होते रहते हैं। दंडी स्वामी, यहां सैकड़ों दंडी स्वामी आश्रम में परमानेंट रहते हैं। क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए कि जिससे भंडारा भी लगे और समाज भी बने, राष्ट्र भी बने। तो उनकी पुण्यतिथि में शिक्षा का एक मंदिर डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ऋषिकेश में बनाया, शिक्षा का भंडारा खोला कि वहां से जो बच्चे निकले उससे समाज और राष्ट्र बनेगा। और परमानेंट एक भंडारा हो गया जो कई साल तक चलेगा। तो
तो ये उन्हीं का आशीर्वाद था कि उनकी प्रेरणा से ये उन क्षेत्र में शिक्षण संस्थाएं बनी जो आज बहुत से बच्चे निकल करके अपने समाज में सेवाएं दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बच्चे फैले हुए हैं। मैं बचपन में जब नरेला इंद्र गुप्ता जी यहां बैठे हुए हैं और भी काफी लोग बैठे हुए हैं, रामगोपाल जी होते थे, इनके पास जब जाता था तो ये लोग यही कहते थे कि बोलशिव जी आप अभी बहुत छोटे हो, ये जो आप चल रहे हो ये एक नंगी तलवार की नोक पे चलने वाली बात है, नंगे पैर से नंगी तलवार की नोक पे चलने वाली ये व्यवस्था है। अगर आपके पैर में तलवार की नोक भी चुभेगी, खून निकलेगा, तो आपको उफ नहीं करनी चाहिए। अगर आप उफ करेंगे तो समाज ये कहेगा कि कमजोर है। तो मैंने यही महाराज जी से प्रार्थना की, जहां भी वो भगवान के श्री चरणों में है, कि मुझे ऐसी प्रेरणा और ऐसी शक्ति दे कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पे, इस मिशन पे बिना कष्ट बिना उफ के चलूं। आज तक उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से, आप सबके सहयोग से ये संस्था खूब आगे बढ़ रही है, खूब फल फूल रही है। जिस काम में भी हाथ लगाते हैं वो काम बहुत जल्दी पूरा होता है। वो इसलिए पूरा होता है कि हम निस्वार्थ भाव से उस काम को करते हैं, कोई अपेक्षा रख करके नहीं। अपेक्षा अगर है तो यही है कि ये ठीक ठाक बन करके समाज में अपनी सेवाएं दें, निस्वार्थ भाव से सेवाएं दें, तो उसको ठीक ठाक करके वो समर्पित करते हैं। आज हमारे सभी ट्रस्टीज लोग आए हुए हैं। मेरा आग्रह सभी से है, मेरी कोई डिमांड नहीं है, अगर डिमांड है तो सिर्फ एक है। आजकल सब जगह ठीक संस्थाएं चल रही हैं, जो है बड़ी छोटी के। मेरे पास आगे बड़ा काम करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मेरी इच्छा है, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है फिलहाल, कि मैं अपने गुरुजी के नाम से हिंदुस्तान में कहीं भी, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली के आसपास हो, चाहे उत्तराखंड राज्य हो, एक अच्छी गर्ल्स यूनिवर्सिटी, श्री देवेंद्र सुब्रह्मचारी गर्ल्स यूनिवर्सिटी, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए बनाने की इच्छा है। उसके बाद फिर मैं इस रिले रेस में हूं, मैं इस रिले रेस में हूं। देवेंद्र सुब्रह्मचारी जी के बाद जो बैटन पकड़ा है, उनके बाद मैंने पकड़ा है, ये मुझे भी आगे पकड़ाना है, मुझे भी आगे देना है। और मेरी समझदारी यही है कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता ठीक बना करके जाऊं। और मैं गंगा मां से ये प्रार्थना करता हूं कि ये सद्बुद्धि मुझे दे कि आने वाली पीढ़ी और संस्था के भविष्य के लिए कि मैं ठीक रास्ता बना करके जाऊं। ये मेरा एक सपना है कि जिस तरह से श्री देवेंद्र सुब्रह्मचारी जी महाराज ने अपने रहते हुए एक अच्छा प्रयास किया, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या सोचा होगा, और ना मुझे मालूम था और ना मैं चाहता था कि मैं यहां आऊं, ये भी बात है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से ये सब हुआ होगा। तो इसको बखूबी निभाने की कोशिश रही है, आज तक निभाया है। तो आज मेरा मन था कि मेरे पास थोड़ा समय और बहुत से लोग पुराने आए हुए हैं, यही टीम है, इन्हीं के साथ मिलकर के आगे काम बढ़ाना है। तो मैंने आपके सामने एक हल्की सी अपील रखी है, मुझे इसमें सुझाव दें तो मैं इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत से सम्मानित ट्रस्टी, उनको मैं बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र की जो बच्चियां हैं उनका रिजल्ट
हिंदुस्तान में अपना एक स्थान बना करके आया है। इसी तरह ऋषिकेश डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की बच्चियों ने भी हिंदुस्तान में नंबर दो पर अपना स्थान प्लस टू में किया है, प्लस वन हाई स्कूल में किया है। ये श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है, हमारे प्रिंसिपल्स को जाता है। मैं सभी ट्रस्टियों की तरफ से सारे प्रिंसिपल्स को, सब टीचर्स को साधुवाद देना चाहता हूं कि सब आपके पीछे खड़े हैं, इसको और मेहनत से आगे बढ़ाएं। हम सब आपके पीछे हैं। इसलिए मैं पहले बोला कि भी मैं इसलिए बोल गया कि थोड़ा समय था, अब धीरे धीरे मंदिर से लोग आ रहे हैं, इनका कारवा तो भगवान शंकर की तरह है। आइए महाराज। संकल्पनाओं से आप स्वयं परिचित हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हम लोगों के समक्ष होंगे। इस समय हम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे और हमारे इस अवसर पर जयराम आश्रम में श्री जयराम आश्रम परिवार के इस आश्रम के उन्नयन के प्रति दृष्टि रहती है। जिन ट्रस्टीगणों की, जिन न्यासीगणों की, उनमें से श्रद्धेय श्री रामलाल गोयल जी, श्रद्धेय श्री शिवलाल गोयल जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, श्री मंगल राम सिंगला जी, श्री कैलाश गोयल जी, श्री विजय गोयल जी वर्ण पुष्पा पृथ्वी का वर्ण कर पाते हैं, ऐसा महर्षि भगवान वेद व्यास का वचन है। तो यह जयराम आश्रम भी निरंतर सेवा के कार्यों के लिए आए हुए समस्त नागरिक जनों का, समस्त संत महापुरुषों का, समस्त जयराम आश्रम परिवार के सदस्यों का हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवा विनेदोस्तम सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। परमादरणीय, परम सम्माननीय, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय समस्त जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, आपके ही पार्श्वभाग में विराजमान हरिद्वार नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, संत समाज में सदा सर्वदा सेवा में तत्पर रहने वाले श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज, मंच में विराजमान पंचायती निर्वाणी अखाड़ा के बड़े कर्मठ सुयोग्य युवा सन्यासी, भारतवर्ष में ही नहीं भारतीय धर्म ध्वजा को पाश्चात्य मुलुक में भी फहराने वाले महामय महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, पृष्ठभाग में विराजमान परम वंदनीय परम सम्माननीय श्री देवानंद सरस्वती जी महाराज, परम सम्माननीय डॉक्टर साधारानंद जी महाराज, परम सम्माननीय परमादरणीय महंत सच्चिदानंद जी महाराज और परम सम्माननीय परमादरणीय परम विद्वान सरल सहृदय महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, परम वंदनीय परम सम्माननीय देहरादून से पधारे महंत धर्मदास जी महाराज, आपके पार्श्वभाग में विराजमान ओजस्वी वाणी के धनी, विविध मंचों के बड़े अच्छे कुशल संचालक, परम विद्वान सरल सहृदय स्वामी विवेकानंद जी महाराज, परम सम्माननीय महंत पटवारी जी महाराज और मंच में विराजमान अनेकानेक महंत वृंद हैं, आप सबके चरणों में मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं यह
सभा, संत सभा, उन दिव्य महान विभूति, परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके चरणों में भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने हेतु आयोजित है, पंचदश पुण्यतिथि है, मुझे स्मरण है विगत वर्ष की, ऐसे ही भव्य और दिव्य चतुर्दश पुण्यतिथि पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आयोजित थी, जिसमें परम सम्माननीय पूज्यपाद ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी ने संतों के सम्मान में मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महामहिम महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री जी महाराज जी का चयन किया था और बड़ा अच्छा सुंदर सम्मान किया था, और वही सम्मान प्रभु की इच्छा अंतिम सम्मान रही। देखिए इस संस्था के द्वारा चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जिस क्षेत्र में उतरकर पूज्य ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज सेवा के अनेक प्रकल्प न चलाते हो। कोई भी आयाम हो, कोई भी प्रकल्प हो, इस संस्था से अनवरत प्रवाहित होता ही रहता है। इन सभी प्रकल्पों के पीछे पूज्य गुरुदेव देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका बरद हस्त कृपा आशीर्वाद सतत बरसती रहती है। आइए उन दिव्य महान विभूतियों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं उन सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए पूज्य ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज जी के लिए मंगल कामना प्रेषित करने हेतु सर्वप्रथम में परम विद्वान सरल सहृदय और विविध मंचों के बड़े अच्छे संचालक ओजस्वी प्रवक्ता और विशेष करके भारत साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी विवेकानंद जी महाराज से सादर अनुरोध करता हूं कि सर्वप्रथम वह मंच पर आकर पूज्य देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के पंचदश पुण्यतिथि के पावन शुभ अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें एवं ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के लिए मंगल कामना प्रकट करने की कृपा करेंगे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज। प्रातस्मरणीय परम गुरु श्री चतुर्देव भगवान, जिनके पावन संयोजन में आज की यह दिव्य सभा अपने पूज्य गुरुदेव के 15वीं पुण्यतिथि के लिए आयोजित है। प्रातस्मरणीय परम पूज्य पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कम साधुओं के बीच में अपने कर्तव्य और दायित्व के निर्वहन के कारण सबके चहेते बने मेरे अत्यंत सम्माननीय ब्रह्मचारी श्री सतपाल जी महाराज, सम्माननीय संत मंच, उपस्थित आप सभी धर्मानुयायी भाइयों, बहनों एवं मातृशक्ति, भगवान की अहेतु कृपा का वर्षण जब भी धरा पर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है वो कैसा होता है उसकी चर्चा करूं उसके पूर्व दो बार हम बड़े सम्मान पूर्वक वंदन करते हुए अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन कर रहा था कि परिसर में प्रवेश करने के साथ ही चाहे वह जयराम आश्रम
हरिद्वार हो चाहे वह जयराम आश्रम ऋषिकेश हो, चाहे वह जयराम आश्रम कुरुक्षेत्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, एक ही आभा मंडल अपनी भव्यता के साथ उस दिव्यता को संजोए हुए, जो दिव्यता कभी किसी के प्रयत्नों के उपरांत नहीं आती, जो दिव्यता केवल कृपा प्रसाद के द्वारा, जिसे हम भगवदीयम कहते हैं, जिसे हम भागवतार्थ कहते हैं, जिसे हम परम भागवत की सत्ता कहते हैं, जब भी ठीक से निहारने का अवसर मिलता है तो यजुर्वेद की उस ऋचा का वह अंश प्रातस्मरणी परम पूज्य जिनकी 15वीं पुण्य तिथि आज हमारे बीच में है, ब्रह्मचारी श्री देवेंद्र सूर जी महाराज के कर्तृत्व और व्यक्तित्व का आभास कराती है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वहीं मैं और कुछ न कहता हुआ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी की ओर जाता हुआ हमारा संन्यास समाज भी जहां विकसित होता हुआ आश्रमों में चार चांद लगा रहा है, वहीं निश्चित रूप से कुछ प्रश्नों को भी खड़ा कर रहा है। वो प्रश्नों का उत्तर सटीक मिल सके समाज को, जहां प्रामाणिकता पूर्वक सन्यासी भी अपने अतीत के गौरव के साथ गौरवान्वित होता रहे, इसके लिए आवश्यकता है कि जयराम आश्रम अपने विनीत ब्रह्मचारी धर्म का निर्वाह करता हुआ सन्यासियों के इस संकल्प की परिपूर्ति के लिए एक ऐसा केंद्र स्थापित करे जहां आने वाला नव सन्यास का युवा सन्यासी एक ऐसी आभा मंडल को लेकर के समाज के सामने आए जो निश्चित रूप से सबके लिए प्रमाण के कोटि में पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रह्मचारी श्री देवेंद्र सूर जी महाराज के पावन चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के दीर्घायुष्य की कामना करता हुआ और उनकी अहित की कृपा ऐसे ही संस्थानों को प्राप्त होती रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ इतके नाम कहता हुआ वाणी को विराम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के लिए मंगल कामना करने की कृपा करें महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। श्रीपति ऐश्वर श्रीपति शांति दुर्जनतीयंत्रिणयंत्रिता कल्याणीभ्यं नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। प्रातस्मरणीय वंदनी प्रतिदिन ब्रह्मलीन पूज्यपाद ब्रह्मचारी देवेंद्र सूर ब्रह्मचारी जी महाराज की पावन पुण्यतिथि पंचदश पुण्यतिथि के पावन शुभ अवसर पर आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर परम पूज ब्रह्मचारी श्री ब्रह्म सूर जी महाराज, भारत साधु समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हमारे श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज, दूना अखाड़े के सचिव श्री महंत स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े के पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, निर्मल पीठाधीश्वर एवं अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख निर्देशक पूज्यपाद श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, आचार्य पूज्य हरिहरानंद जी महाराज,
मंजा सिंह यतीन्द्रन विभिन्न नाम रूपों में विराजमान मेरी प्रिय आत्मा, हम सभी लोग उस महान विभूति के श्री पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं जिनका सानिध्य मुझे बाल्यकाल से प्राप्त होता रहा। उनकी महाराज श्री का प्रेम स्नेह आशीर्वाद शिष्यवत मुझे मिलता रहा। उनकी पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री स्वामी अमरानंद जी महाराज जो रोहतक श्रोम आश्रम के परमाध्यक्ष और पूज्य महाराज जी, और इससे पूर्व यहाँ पर श्रीमद् भागवत के माध्यम से जिन्होंने ज्ञान गंगा को प्रवाहित किया था भागवत भूषण पंडित श्री पांडे जी के नाम से जो विख्यात दीनदयाल पांडे जी महाराज, उस समय भागवत सप्ताह कथा यही गंगा के पावन तट पर हुई थी। और पूजी वर्तमान पीठाधीश्वर श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज को महाउत्तराधिकारी के रूप में महाराज जी ने घोषित किया। हमारे पूज्य गुरुदेव जी थे अभी था, उन्होंने कहा लगता है कि मेरा जन्म विश्वकर्मा परिवार में हो गया है। तो बोले महाराज आप तो ब्राह्मण परिवार में, बोले मैं जब से जन्म लिया कुछ ना कुछ निर्माण कार्य करता रहता हूँ, तो निर्माण की दिशा में बहुत अच्छा कार्य पूज्य महाराज जी का किया, और उस आश्रमों की समस्त व्यवस्था चाहे वेद विद्यालय हो चाहे अन्य क्षेत्र हो चाहे दंडी स्वामियों की भिक्षावृत्ति हो चाहे अन्य स्कूल कॉलेज हो, सभी की व्यवस्थाएं बहुत सुंदर सुदृढ़ रूप से संचालित किया। और हमारे वर्तमान पीठाधीश्वर जयराम पीठाधीश्वर के नाम से हमारे प्रसिद्ध और भारत साधु समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज बहुत सुंदर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों के पावन सानिध्य में बैठकर अपनी भारतीय संस्कृति को और पल्लवित और पुष्पित कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भगवान वेद भी कहते हैं रितेन पंथा हसा तरति, बोले सत्य के मार्ग से तरेगा कौन जो सत्य का अनुसरण करता है। तो ये आश्रम भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूपेण परिपालन करते हुए यहाँ पर बड़े बड़े जगत गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। मैं पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आपका सानिध्य आपकी सनातन संस्कृति के प्रतिनिष्ठा यों ही बनी रहे, और इसी प्रकार ये संत महापुरुष महाराज श्री के स्नेह के भाजन बनते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रह्मलीन पूज्य ब्रह्मचारी देवेंद्र स्वरूप जी महाराज के श्री चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत। उसका चित्रण करते हुए आप सबको आशीर्वाद प्रदान किया, पुनः आभार व्यक्त करते हुए हमारे मध्य में पंचायती बड़ा उदासीन खड़े के बड़े कर्मठ सुयोग्य परम वंदनीय परम सम्माननीय परम पूजनीय महंत साहिबान श्री रघुमुनि जी महाराज जी पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है समस्त जयराम संस्थाओं के ट्रस्टीगण और महाराज श्री जी के भक्तों की ओर से। और ऐसे ही निर्मल वेशभूषण पंचायती निर्मल अखाड़े के श्री महंत परम विद्वान परम सरल श्री ज्ञानदेव सिंह जी महाराज जी पधारे हैं, आपका भी संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही कई महापुरुष आपके साथ पधारे हैं, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के बड़े कर्मठ सुयोग्य महंत निर्मलदास जी महाराज, पंचायती निर्मल अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह जी महाराज श्री जी, और ऐसे ही स्वामी प्रकाशानंद जी, स्वामी श्याम प्रकाश जी, स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी दिव्यानंद जी, स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी रविन्द्रानंद जी, स्वामी अनुजदास जी लगायत अनेक महापुरुष पधारे हैं, उन सब का भी मैं संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब मैं इसी श्रृंखला को आगे जोड़ते हुए हमारे मध्य में परम वंदनीय परम सम्माननीय डॉक्टर साधनानंद जी महाराज जी विराजमान है, आपसे सादर अनुरोध है कि दो चार मिनट में ही अपने भावपुष्प रखने की कृपा करेंगे। परम वंदनीय परम सम्माननीय डॉक्टर साधनानंद जी महाराज। हरिओम।
देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितनयं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कल्याणानां निधानां कलमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जनं जनं मोक्षौ शवदपदप्राप्तै प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवत्ससां जीवनं सज्जनानां बीजं धरं द्रुमस्प्रभवतु भवताम भूतये रामनाम् नीलप्रणयां लोकप्रणयां सर्वसाधकसाधकम् प्रणवामि हनुमन्तं साधुबाधकबाधकम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुन्निधानं वानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्सातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सतगुरुदेव भगवान की। सभी लोग बोलेंगे, अभी भोजन का समय नहीं है, सभी की व्यवस्था है भोजन का। सत्य सनातन धर्म की, श्री रामचंद्र भगवान की, गायत्री माता की, गंगा माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पावन मंच, पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड साकेताधीश भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से श्री जयराम आश्रम के दिव्य पावन प्रांगण में स्वयं भागवत स्वरूप अर्थात ब्रह्म स्वरूप गदिप्यमान इस संस्था में संपूर्ण कार्य प्रवृत्ति को बीजारोपण करने वाले ऐसे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी के 15वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर में पधारे हुए मंगल मंच पे पावन संत चरणों में नमन और इन जयराम आश्रम संस्थाओं के संचालन में परम प्रवीण तेजस्वी ओजस्वी परम विज्ञ परमार्थी और राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत ऐसे परम दिव्य भागवत भूषण विद्वत भूषण और संत श्री विचारों से ओतप्रोत पूज्यपाद श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचार्य जी महाराज, इनके साथ में बैठे हुए नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष चेयरमैन सतपाल ब्रह्मचार्य जी महाराज, मंच पे बड़ा अखाड़ा निर्मल अखाड़ा और हमारे ऋषिकेश संस्था के संपूर्ण संचालन में प्रवीण पूज्य स्वामी जी, सभी को नाम न लेकर मैं सभी पूज्य चरण संतों के चरणों में नमन करते हुए मैं पूज्य महाराज जी देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के पावन चरणों में वंदन और नमन और पुष्पांजलि अर्पण करता हुआ मैं अपने दादा गुरु जी पूज्य श्री गोपालानंद जी बापू के मुखारविंद से श्रवण किए थे कि संत सिर्फ मात्र अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, संत अपने भेष को
सम्मानित करते हुए और समाज को भी साथ में लेकर के चलने वाला यदि कोई ब्रह्मचारी है तो वो पूज्य देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के बारे में नाम उल्लेख करते रहते थे। उन्होंने बताया था कि आज समाज में संतों को क्या करना चाहिए, मात्र अपने धर्म के नाम पे अर्थ उपार्जन न करके समाज में शिक्षा, बेरोजगारी और कृषि, स्वास्थ्य, इन सभी प्रकार के प्रवृत्तियों को साथ में लेकर के जिस तरह से आज पूज्य स्वामी जी हमारे आज जितने भी बैठे हुए हैं ट्रस्टियों के साथ में, इन सभी ट्रस्टियों के सहयोग के माध्यम से कई शैक्षणिक संस्थान, अभी हमने जब चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि महाराज कई मंजिला इमारत हमने दिल्ली में खड़ा किया, जबकि आप सब जानते हैं कि दिल्ली तो महानगर है, वहां पे अनेकों सरकार अपने अपने पैसों के माध्यम से व्यवस्था बनाए हैं, लेकिन महाराज श्री का एक ऐसा निर्णय है कि मैं ऐसा निर्माण करूंगा, ऐसा व्यवस्था बनाऊंगा जिसमें सरकार और समाज सभी को हित हो। तो मैं समझता हूं कि ऐसे कार्यों से हम सभी संतों को भी प्रेरणा मिलता है और आए हुए जो भक्त हैं, जो शिक्षण अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो वेद पाठशाला हो, संस्कृत पाठशाला हो, या हमारे हिंदी या अंग्रेजी पाठशाला हो, सभी में जिस तरह से हमारे देश में शिक्षा के माध्यम से बेरोजगारी को दूर किया जाए, ऐसे निर्णयों पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारा देश शिक्षा से युक्त नहीं होगा तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए हम आज इन संत के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, इस व्यवस्था के माध्यम से हमें सीखने को ये मिलता है कि हम मात्र एक संत अपने माला और भजन करके अपने मुक्ति नहीं बल्कि समाज को भी युक्ति प्रदान करें और उस युक्ति के माध्यम से हम पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हो जाएं। इसलिए हमें विश्व गुरु बनने के लिए हम सभी को शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में शिष्टाचार और संस्कार को अपना लिए, संस्कार हमारे साथ यदि है तो हमारे पूर्वजों के माध्यम से दिए गए मार्गदर्शन हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए वरदान बनेगा और इस वरदान के माध्यम से ही हम अपने राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं। जब तक कोई दिव्य अतिरिक्त शक्ति हमारे साथ काम नहीं करता है, आप जानते हैं कि हम सभी लोगों के ऊपर गुरु का हाथ होता है और गुरु हमारे यहाँ ब्रह्म के स्वरूप में, ईश्वर के स्वरूप में, देवता के स्वरूप में, साक्षात भगवान के स्वरूप में मानते हैं और जब तक उनका हाथ होता है तब तक हम सभी कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। और इसी तरह से हमारे पूज्य गुरु जी के स्मरण में पूज्य देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के दिव्यता और इन कार्य के वट वृक्ष के नीचे इन सारे फलते फूलते हमारे स्वजन जो है वो सभी दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी उन्हीं का एक आशीर्वाद स्वरूप है। बहुत अधिक नहीं हम कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और उनके चरणों में अपने भावांजलि को समर्पित करते हुए, पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूं। आप सभी के चरणों में नमन। ओम शांति शांति शांति। वयोवृद्ध त्याग वृद्ध परम विद्वान परम सरल महामय महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद जी महाराज जी पधारे हैं, आपका भी संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही स्वामीनारायण संस्थाओं के परमाध्यक्ष परम वंदनीय परम सम्माननीय हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज जी पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। उनके कृपा पात्र सुयोग्य शिष्य स्वामी आनंद स्वामी जी महाराज और भारत माता मंदिर से परम वंदनीय परम सम्माननीय पूज्य महाराज श्री जी पधारे हैं आपके साथ में, और पंचायती ललितानंद गिरी जी महाराज जी, हाँ जी, भारत माता मंदिर से परम वंदनीय परम सम्माननीय महंत ललितानंद गिरी जी महाराज जी पधारे हैं, आपका भी संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत है। आपसे
बुलवाए, उससे पूर्व मैं संकेत करूं पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े से कुरुक्षेत्र के कोठारी परम वंदनीय परम सम्माननीय महेश मुनि जी महाराज जी और आपके साथ सरदार मेजर सिंह जी भी पधारे हैं। आप सबका संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए अब मैं अनुरोध करता हूं दो मिनट के लिए भारत माता मंदिर के महंत ललितानंद गिरिजी महाराज जी से कि अल्प समय में पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आए हुए भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे। परम वंदनीय महंत ललितानंद गिरिजी महाराज आज महाराज श्री की 15वीं पुण्य तिथि के अवसर पर शरणांजलि सभा में आए हुए सभी पूज्य संत चरण एवं सभी महानुभाव सभी भगवत प्रेमी मातृशक्ति भारत माता मंदिर का हमारे पूज्य गुरुदेव जी का और जयराम आश्रम का बहुत पुराना आपस में बहुत अटूट संबंध रहा है। जब महाराज श्री सबसे पहले ऋषिकेश में आए थे कि जब से ही ब्रह्मचारी देवेंद्र स्वरूप जी महाराज से जो है उनका बहुत अटूट संबंध रहा है और पूज्य महाराज श्री ने जयराम आश्रम से ब्रह्मचर्य जीवन में जो है भिक्षा भी ग्रहण की महाराज श्री अपने प्रवचनों में बताया करते थे। तो मैं भी बहुत प्रभावित हूं जयराम आश्रम से। हम भी बहुत पहले यहां रुका करते थे और यहां भी जो है भिक्षा पाते थे कुरुक्षेत्र में भी जाते थे और मैं भारत माता मंदिर की तरफ से अपनी तरफ से और सभी की तरफ से संघ परिवार की तरफ से महाराज श्री को श्रद्धांजलि देता हूं।
हमारे लिए पुण्य का लाभ है, पुण्य का अवसर करेंगे, बंधन करेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के साथ में उनके प्रदेश के मंत्रिमंडल के शहरी विकास मंत्री इस शहर के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री मदन कौशिक जी भी हैं, उनका भी हम इस मंच पर हार्दिक स्वागत बंधन करते हैं। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करने माननीय मुख्यमंत्री जी ममता सिंह हो गए हैं, मंच पर पधार चुके हैं और वो स्थान ग्रहण कर रहे हैं। सभी लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग कृपया स्थान ग्रहण करें, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए जिससे कि हम किसी जयराम आश्रम जो भी समाज के लिए राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है वो अभिनंदन के पात्र हैं। इसलिए पूज्य पाद महाराज जी को फल का टोकरा समर्पित करते हुए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी पूज्य महाराज जी को फल भेंट करते हुए और जयराम आश्रम के डीएसपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने उपस्थित समस्त महानुभावों के स्वागतार्थ और
राहत कोष में, मुख्यमंत्री राहत कोष में उस राशि को भी भेंट करने का कष्ट करेंगे। श्री रामलाल गोयल जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, श्री ओपी बागला जी, आप सभी से अनुरोध है, श्री मंगत राम सिंगला जी, सभी से अनुरोध है कृपया हम प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करने की कृपा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए श्री जयराम आश्रम ने एक राशि भेंट की है, उसे भी इस अवसर पर जयराम आश्रम के ट्रस्टी सदस्यों द्वारा समर्पित की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को। यह राहत कोष के लिए अनुदान है श्री जयराम आश्रम की तरफ से, सरकार की ओर से समर्पित की जा रही है। आश्रम में निरंतर उनका आगमन होता रहता है, आश्रम के कार्यों से निरंतर परिचित हैं, आश्रम के सेवा प्रकल्पों से अवगत हैं। इस अवसर पर हमारे मध्य पधारे हुए हैं, हम उनका सिजाराम आश्रम परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर उन्हें यहां पाकर हम बहुत सुखद अनुभव करते हैं। सिजाराम आश्रम परिवार की ओर से उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। इस वर्ष चयन किया गया है परमार्थ निकेतन के महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामलाल गोयल जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी एवं श्री ओपी बागला जी, इन सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग समवेत रूप में स्वामी असंगानंद जी महाराज का स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे और उन्हें एक प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे, साल भेंट करेंगे। उसके लिए व्रती नाम, सायुज्य संप्राप्ता नाम, स्वनाम धन्या नाम, लोकोपकाराय समर्पित जीवना नाम, श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराजा नाम पंचदश पुण्य तिथि अधिकृत्य समायोज्य माने अस्मिन महोत्सवे शिक्षा शिक्षा संस्कृति संस्कार सेवाई सततम समर्पितान धर्म दर्शन अध्यात्म रक्षण विचक्षणान त्यागेन तपसा लोक मंगलाचरणेन च पथित यशस्कान स्वर्गाश्रमस्थ परमार्थ निकेतन संस्थानस्य अलंकार भूतान वेदांताचार्योपाधि विभूषितान महामंडलेश्वर स्वामी संगानंद सरस्वती महाभागान अनुगुण सम्मान पुरस्सरम सहर्षम सवाजयित्वा आत्मानम गौरवान्वितम अनुभवति ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी श्री जयराम आश्रम हरिद्वारम। उसके सम्मान में यह कार्यक्रम किया जाता है। इस वर्ष परमार्थ निकेतन के महामंडलेश्वर स्वामी संगानंद जी महाराज को पुरस्कृत करके, उनको सम्मानित करके हमारी यह संस्था गौरव सेठ मोरन नायक भैया जयराम गर्ल्स कॉलेज त्योहार मात्रा 4000 रूपये की छात्रवृत्ति ने प्रदान की जा रही, मंच पर आ जाए। इसके बाद अंकिता शर्मा बीएससी थर्ड ईयर सेठ मोरन नायक भैया जयराम गर्ल्स कॉलेज त्योहार मात्रा 4000 रूपये की ही स्कॉलरशिप दी जा रही है। वंशिका ट्वेल्थ में कॉमर्स की छात्रा है। महक शर्मा एसी देवी लोहिया पब्लिक स्कूल लोहार माता कुरुक्षेत्र से ये भी आकर 4000 रूपये छात्रवृत्ति प्राप्त कर ले। शिवानी टेंथ की छात्रा है, एसी देवी लोहिया पब्लिक स्कूल लोहार माता कुरुक्षेत्र से इन्हें 4000 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। कृष्णा काया 11th की छात्रा है, ये भी एसी देवी लोहिया पब्लिक स्कूल लोहार माजरा से इन्हें 4000 रूपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन लोहार माजरा कुरुक्षेत्र, इनको 4000 रूपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। आस्था बेरोला 5th में एसपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्रा है, इन्हें भी संस्था की तरफ से 4000 रूपये की स्कॉलरशिप। और अनुष्का उनिया 6th की छात्रा है बीएसपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से, इन्हें भी 4000 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री जी एवं महापुरुषगण सभी लोगों ने आपने इस अवसर पर हमारे छात्रों को पुरस्कृत किया। गुरु जी की जो आत्मा जिसको मैं प्रणाम करता हूं, उसी आत्मा के रूप में, उसी परमात्मा के रूप में, उसी रूप में मंच पर विराजमान सभी संत मूर्तियां, सभी का नाम लेना समय को देखते हुए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हरिद्वार का संसनास आज यहां विराजमान है। चेहरा आश्रम के तमाम स्टूडेंट, सभी स्कूल और कॉलेज के बच्चे, हरिद्वार ऋषिकेश के सम्मानित सभी पार्टियों के सम्मानित बंधु, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार
संस्था करती है, आपने आग्रह हमारा संस्कार किया। ये संस्था लगभग 140 साल पुरानी है। मैं सातवीं पीढ़ी का पुष्प हूं। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्री देवेंद्र भंचाल जी ने ऋषिकेश में 7 साल रहकर के समाज की सेवा की। उनके द्वारा जितने भी सेवा के प्रकल्प लगाए हुए हैं उनको हरा भरा, उनके द्वारा समाज को जो छाया और फल मिलने की बात है, उस परंपरा को निभाने के लिए हम सब लोग मिलकर के आज यहां तक पहुंचे हैं। ये आशीर्वाद केवल मेरे गुरु जी का है, उन्हीं की कृपा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बात का हमने ख्याल रखा जब से मैं शिष्य बना हूं कि जो सपना मेरे गुरु जी ने देखा था कि संस्कृत संस्कृति और संस्कार की गौ सेवा की सेवा होनी चाहिए, इस संस्था के माध्यम से हमेशा इस बात का ध्यान रखकर के हमें सेवा करनी चाहिए कि समाज के प्रति समर्पित हुए हैं। मां बाप ने उंगली पकड़ के समाज को सौंपा है, तो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए आशीर्वाद जो मिला था उसको कहीं न कहीं निभाने की पूरी कोशिश हमारी रही है। जिस तरह से गंगा बहती है उसी तरह से हमने भी एक संकल्प लिया है, इस संस्था के माध्यम से भी सेवा इसी तरह से बहनी चाहिए और वो बही है और उसका श्रेय हमारे सम्मानित संत समाज का, मुझ पर आशीर्वाद और हमारे ट्रस्टियों का सहयोगों का मुझे बराबर सहयोग मिलता रहा है। जब भी कोई बात आई है, किसी समस्या का समाधान की बात आई, तो मैं सम्मानित संतों के चरणों में बैठ करके उसका समाधान लेता हूं और अपने ट्रस्टियों से बात करके उस काम को लेकर के फिर आगे भी बढ़ता हूं। संस्था जहां धर्म की बात को लेकर चली थी वहां आज शिक्षा और चिकित्सा गौ सेवा में भी अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। हजारों बच्चे बच्चियां संस्था में पढ़ते हैं, चाहे ऋषिकेश का हो, चाहे कुरुक्षेत्र का हो, पूरे हिन्दुस्तान में छोटी मोटी संस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी सेवा करती हैं। मेरा संतों के सूचनों में बैठ करके यही संकल्प है, जो भी शेष जीवन है ये पूरा समाज की सेवा के लिए समर्पित है, संतों की सेवा के लिए समर्पित है। इसके अलावा दूसरी कोई चीज मन में नहीं है, किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। एक अपेक्षा थी वो मदन कौशिक ने ढीला कर दिया बोले, लेकिन एक प्रारंभ भी होता है, एक समय भी होता है। गंगा में कभी कभी पानी गंदा भी आता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वो गंदा पानी हमेशा खड़ा नहीं रहता, वो गंगा की इस पवित्रता से, गंगा की उस अविरल धारा से, उसके वेग से वो गंदा पानी बह जाता है। जो दिमाग में कभी सोच रही होगी तो माननीय संतों के चरणों में उनकी गंगा, इनके चरणों से जो निकलती है उसमें वो भी समय बह गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो समय शेष है वो तो समाज की धरोहर के रूप में उसको लेकर के आगे चलना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी रविन्द्रपुरी जी की कृपा इस जल्दी लेके आ गए, तो धीरे धीरे चल रहे मना 1.5 घंटा माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे गुरु जी बाबा गुरु जी जयराम जी महाराज थे, उन्होंने अग्नि तपस्या की, जल तपस्या भी की। मैंने जल में तो चलो ठीक रहा होगा, अग्नि तपस्या कैसे की होगी वो आज पता चला जो 1.5 घंटा हम धूप में खड़े थे। तो ये भी एक आनंद है, ये भी एक आनंद है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आज तमाम ट्रस्टियों की ओर से, जयराम आश्रम परिवार की ओर से दिल से आपका अभिनंदन इस प्रांगण में करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपको ये आश्वस्त करता हूं कि यह संस्था देश हित के लिए, समाज हित के लिए समर्पित है। हम किसी के बहकावे में नहीं है, किसी के छल कपट में नहीं है। जो कहेंगे जो करेंगे वो समाज के हित के लिए करेंगे और समाज के समर्पित होकर के करेंगे। आज शिक्षा के प्राण की तरफ जयराम आश्रम से बहुत बड़ा कदम बढ़ाया हुआ है, वो आगे चले, इसके लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि उत्तराखंड में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनका पोषण करने के लिए आपको भी आगे आना चाहिए। जिस तरह से आप बढ़ रहे हैं वो और थोड़ा 2 कदम और आगे बढ़े तो मैं समझता हूं कि हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कार का
और खास तौर से उत्तराखंड में मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मेरे संत बैठे हुए, मेरे सभी ग्रंथन बैठे हुए हैं, मैं सबसे छोटा हूं, मैं आपसे मांग करता हूं, क्योंकि मदन कौशिक जी तो कह रहे थे गुरु जी आप ही दे दो, तो मदन जी तो मेरे लाडले हैं, वो कह देते हैं कि गुरु जी आप ही दे दो, तो मैं आपसे मांग रहा हूं कि उत्तराखंड में संस्कृत का विकास होना चाहिए, ये मैं आपसे मांग रहा हूं, इसका विकास होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड संस्कृत की एक जननी है, पूरे हिन्दुस्तान में उत्तराखंड का पंडित हर जगह पाया जाता है, ये सम्मानित देवभूमि में संस्कृत उगती है, इसी इसके पौधे को इसको रोकने के लिए पूरी दुनिया में इसको रोपा जाए, ये प्रयास उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी कहना तो बहुत कुछ था, क्योंकि मेरे संत और फिर प्रदेश का मुखिया मैं बैठा हूं तो कहने में झिझकना चाहिए, और झिझकते हैं तो गया चूक गया मौका, तो इसलिए मैं संस्कृत के लिए आपसे मांग कर रहा हूं। या मेरे रघुमणि जी नोबल प्रजा डिशोर जी बैठे हुए, मां मंडेश्वर हरिचेतनंद जी बैठे हुए, मेरे ज्येष्ठ भ्राता उमाकांत जी बैठे हुए हैं, प्रखर जी महाराज बैठे हैं, रामेश्वर जी बैठे हुए हैं, विवेकानंद जी बैठे हैं, और यहां रविन्द्रपुरी जी और अधियोगी जी सत्याल ब्रह्मचारी, ये सब सबका नाम मेरे हृदय में है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभा को, क्योंकि मुखिया इस प्रांगण का बना रखा है लोगों ने, इसलिए थोड़ा सा तो बोलना ही था, मैं पुनः आप सबका सब प्रेस वालों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं हरिचेतनंद जी से आग्रह करूंगा, और उमाकांत जी बोली हरिचेतनंद जी आप आइए, फिर मदन जी और रघुमणि जी। परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर और मंचासीन सभी पूज्य संत महंत महामंडलेश्वर वृंद, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्य मिदुगं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रदह कस्य सिद्धनम्। जैसे संसार के सूक्ष्म अणु परमाणु में परमात्मा की सत्ता है, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती के लिए, मां भारती की सेवा के लिए समर्पित किया, और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इस संसार में कोई जब आगे बढ़ता है तो कई विरोध और अवरोध सामने होते हैं, लेकिन दो लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मैं इस अवसर पर मंच में विराजमान सभी संत महापुरुषों से निवेदन करना चाहता हूं, हमने पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को नहीं देखा, लेकिन विवेकानंद जी का वो दर्शन, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने 150 वर्ष पहले कहा था, मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूं न वहां भय हो, न भूख हो, न भ्रष्टाचार हो, और पूज्य स्वामी जी महाराज ने समय समय पर मां भारती की रक्षा के लिए और आवाज उठाई, और आज ये जो संत समुदाय यहां विराजमान है, सभी संप्रदायों के आचार्य यहां विराजमान होकर के उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए हमारे जैसे संतों को भी परिचित कराया, ऐसे महापुरुष को सत सत नमन, बोलो भारत माता की जय। पंचायती बड़ा उदासीन फर के परिकर्मठ सुयोग्य मैं तो श्री रघुमणि जी महाराज से सादर अनुरोध करता हूं कि सारण समय आप भी भावपुष्प पूज्य महाराज श्री के चरणों में रखने की कृपा करें। ओम कृष्णं वंदे हि जगद्गुरु, कृष्णं वंदे हि जगद्गुरु, कृष्णं वंदे हि जगद्गुरु। हमारे मंच पर विराजमान सभी अखाड़ों के परम पूज्य, परम आदरणीय, परम सम्मानीय सभी श्रीमान साहिबान, महान साहिबान, सभी अखाड़ों के परम पूज्य, परम सम्मानीय, परम आदरणीय महामंडलेश्वरगण, महान साहिबान, मंच पर विराजमान हमारे उत्तराखंड के यशस्वी कर्मठ संतों के प्रति स्नेह रखने वाले, हमेशा एक सेवा को अपने आगे रख के चलने वाले यशस्वी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मंच पर विराजमान। संतों के प्रति आपका भी बड़ी स्नेह है और संतों का भी आपके प्रति बड़े स्नेह है। हमारे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, यहां पर यज्ञ भी आदरणीय हमारे विधायकगण, हमारे सम्मानीय सारी अधिकारीगण,
मंच पर विराजमान भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं सज्जनों एवं पत्रकार बंधुगण, आज हम लोग एक पूज्य परम तपस्वी परम वीतरागी ब्रह्मलीन महापुरुष सदगुरुदेव जी के सनाम धन्य मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, हम लोग से महाराज श्री तप साधना से बहुत रुचि थे और कर्मठ थे। आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि वर्षी में एकत्रित हुए हैं, चाहे संत समाज हो, चाहे राजनीति से जुड़े हुए हो, किसी भी क्षेत्र से हो, वर्तमान की जिम्मेदारी है हम भविष्य का निर्माण करके जाऊं। तो ब्रह्मानंद महाराज श्री ने आदि समय रहते हुए देखिए भविष्य का निर्माण करके संत समाज को राष्ट्र की समर्पित करके गए। हमारे परम श्री जो मुझसे बड़ा स्नेह रखने वाले, बड़े प्रेम रखने वाले, जिसको कहते हैं एक दिल का रिश्ता है, हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय परम पूज्य ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, ये महाराज जी ने वर्तमान रहते भविष्य का निर्माण करके हम लोग को देखे गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। महाराज जी के पास कई गुण मैंने देखा हूं, आज मैं थोड़ा समय लेना नहीं चाहता हूं। जिस समय महाराज जी ने यहां पर इलेक्शन लड़े थे तो महाराज जी मेरे पास कई बार आए, महाराज जी ने हमेशा शिष्टाचार की बात की है, मदन जी के प्रति कभी भी ऐसा एक शब्द नहीं कहे जो कानों में शोभा ना दे, मदन जी के प्रति उनका आशीर्वाद का भाव रहा। महाराज जी ने राजनीति के लेकिन कूटनीति नहीं की है। महाराज जी के पास एक गुण मैं हमेशा कहता हूं, महाराज जी कभी संतों के बीच में बैठ के राजनीति नहीं करते हैं, हमेशा संतों की सम्मान, संतों के साथ स्नेह, संतों के साथ प्यार हमेशा महाराज जी के गॉड गिफ्ट है, सदगुरु की कृपा है। और मदन जी ने भी इलेक्शन के समय मेरे पास कई बार आए, कभी आदरणीय ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी के भी बारे में ऐसे शब्द नहीं बोले, कहता महाराज जिस दिन वोटिंग पड़ जाएंगे सबसे पहले मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, आशीर्वाद लूंगा और महाराज जी के साथ बैठ के मैं चाय पी के आऊंगा। ये स्वरूप उत्तराखंड में हरिद्वार में देखने को मिला न। आजकल इलेक्शन के समय भाषा में शब्दों में कितनी गिरावट आ चुकी है जो टीवी के माध्यम से हम लोग देखता हूं, लेकिन दोनों में कभी भी ये शब्द सुनने को नहीं मिला। ये क्या है? ये मैं तो कहता गंगा मां की कृपा है। आज हम लोग जो यहां पर बैठे हैं महापुरुष जी की तो कृपा ही है लेकिन गंगा मां की कृपा है। तो मैं आखिर में पूज्य महाराज श्री की 15वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए महाराज जी के चरणों में, गंगा मैया के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं, आपको एदना शक्ति दीजिए जे कुंभ मेला एदने अच्छे ढंग से कराए, काले भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड में आपका नाम हो। आपके आजकल निद्रा का युग है, हर बात पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं, तो कुंभ मेला को आप एक सजा के रूप में लीजिए। देखिए कुंभ मेला जो है किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, कुंभ मेला है राष्ट्रीय पर्व, इसको राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाइए, पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर चढ़ के एक कुंभ मेला को मनाइए। और मैं पुनः हम आदरणीय परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी को भी गंगा महाज से चरणों में प्रार्थना करता हूं, पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते कहता हूं, आपकी हमेशा शरीर तबीयत ठीक रहे, बड़ी लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो, बड़े यशस्वी हो, और इसी तरह आपका संतों के प्रति ऐसा ही प्रेम और स्नेह बना रहे। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। सबसे क्षमा चाहते हुए और यहां पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय आदेश जी, आदरणीय संजय गुप्ता जी, आदरणीय स्वामी जी, सभी श्रद्धांजलि सभा में पूज्य स्वामी जी के प्रति
और इस संस्था के प्रति अपने एक भाव लेकर आए भक्तगण, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, पूज्य ब्रह्मलीन देवन स्वरूप ब्रह्मचारी जी यहां पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको श्रद्धांजलि के लिए यहां पर आए हैं, निश्चित रूप से कैसे संत थे जिन्होंने जहां भारतीय संस्कार और संस्कृति के प्रति अपने उस दायित्व का निर्वहन किया, वहीं समाज के प्रति एक जो जिम्मेदारी होती है वो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अन्य प्रकार से उनको भी उस रूप में आगे बढ़ाया। और जैसा निर्मल अखाड़े के श्री महन जी कह रहे थे कि एक स्वरूप होता है गुरु का, जो स्वरूप शिष्य में नजर आता है, और वास्तव में आज ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी पर इस रूप में हम गौरव कर सकते हैं। वो गौरव इस रूप में है कि जो संस्थाएं, जो सामाजिक काम, जो संस्कार, जो संस्कृति पूज्य गुरु जी के द्वारा आपको आगे बढ़ाने के लिए मिली है, आपने गौरव के साथ, आपने सम्मान के साथ और समाज के प्रति उस दायित्व को निर्वहन करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूज्य देवेंद्र ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी की आत्मा जो आपने अभी कही थी कि वो आत्मा वहीं से गौरव महसूस कर रही होगी कि शिष्य के रूप में उन्होंने चयन किया है, वो चयन वास्तव में इतना सुंदर चयन था जो समाज में दायित्व का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहा है। इससे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम लोग यहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जैसा पूज्य हरिचेतनानंद जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को जब निमंत्रण देने गए आदरणीय ब्रह्मस्वरूप जी, आदरणीय सतपाल जी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा, और केवल इस रूप में नहीं, आज हरिद्वार के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भाव है कि जिस कुंभ की चर्चा लगातार पूज्य संतों के द्वारा हो रही है, वह कुंभ का आयोजन और प्रयागराज से उसी रूप में, उसी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ वो संपन्न हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सब का आशीर्वाद इस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस रूप में मिले, और उस आशीर्वाद की ताकत के बल पर, शक्ति के बल पर इस संकल्प के साथ ये महाकुंभ उसी रूप में संपन्न होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार निरंतर एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, जहां भी चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और लगातार उन बैठकों के माध्यम से जैसा दिशा निर्देश है, ऐसे लगातार हम लोग प्राप्त करके आगे काम को बढ़ा रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कि आपने समय यहां पर निकाला है, आप आए हैं, और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी को भी कि आपने जिस प्रकार संस्थाओं को आगे बढ़ाते हुए और इस गौरव को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस अवसर पर यहां उपस्थित समस्त लोगों को अपना उद्बोधन प्रदान करने का। परम पूज्य ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के पंचदश पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, सम्भ्रांत यहां पर जो समाज सेवी उपस्थित हैं, संत शक्ति और स्थानीय हमारे भाई और बहनों, स्कूल के सभी बच्चे, उनके शिक्षक शिक्षिकाएं और पत्रकार मित्रों, पूज्य देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी, उन्होंने लंबे समय तक सामाजिक सेवा भी की। वो नगर पालिका ऋषिकेश के अध्यक्ष भी रहे और बाद में उन्होंने समाज सेवा में एक नया आयाम को शिक्षा से जोड़ा और आज उस काम को पूज्य ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मस्वरूप जी आगे बढ़ा रहे हैं उस परंपरा को। मैं तमाम उन अभिभावकों की ओर से, उन छात्र छात्राओं की ओर से और
और उन पूर्व छात्र छात्राओं की ओर से सब की ओर से आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो काम उन्होंने प्रारंभ किया उसको श्रद्धेय ब्रह्मचारी जी आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से उसको आगे बढ़ाते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। अभी यहां पर पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी ने कुंभ का विषय यहां पर लिया है और उन्होंने कहा कि एक चुनौती है, और निश्चित रूप से जब कोई चुनौती होती है तो हम पूरी शालीनता के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, और उसको निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम जो हमारा 2021 का हरिद्वार का कुंभ होगा वो कुंभ बहुत बेहतरीन तरीके से पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहां के स्थानीय नागरिकों के सहयोग से हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको निभा पाएंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, समाज की शुभकामनाएं चाहिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो कुंभ होगा वो एक अच्छा कुंभ, अच्छे तरीके से हम उसको संपन्न करेंगे। पहले भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है और इसको हम ये भी बहुत बेहतरीन से संपन्न होगा। यहां पर शिक्षा और हमारे जो संस्कृत शिक्षा है उसके लिए बात उठी। यहां पर समय से मैं आज 9:30 बजे से हरिद्वार में हूं, संतों के शरण में हूं, और वहां पर भी मुझे संस्कृत विषय को लेकर के लगातार बातचीत होती है, और मैंने इस पर अपने जो विभाग के लोग हैं उनसे रिपोर्ट भी मांगी है कि हम इस क्षेत्र में कैसे संस्कृत का जो हमारे शिक्षण का कार्य है और जो हमारी संस्कृति का आधार है और विश्व की भाषाओं की जननी संस्कृत का हम कैसे उसको और संरक्षित कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये इस विषय पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और उस पर मैंने एक रिपोर्ट भी डिपार्टमेंट से मांगी है। निश्चित रूप से हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो यहां पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आश्रम जयराम आश्रम के सभी जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज राज्य की आपदा राहत में मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.25 लाख रूपया आज यहां पर भेंट स्वरूप दिया है। मैं उचित समझता हूं कि मैं पूज्य रविन्द्रपुरी जी महाराज का भी धन्यवाद करूं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में आज सवेरे उन्होंने 5 लाख रूपया उन्होंने मुझे चेक उन्होंने भी भेंट किया है, और जयराम आश्रम ने भी मुझे भेंट किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जल्दी निकलना भी, मैं ऑलरेडी लगभग 1.25 घंटा लेट हो चुका हूं, और वहां भी अग्नि तप चल रहा है। यहां पर ब्रह्मचारी जी कर रहे थे, वहां पर तो साधारण लोग हैं सब। अब ब्रह्मचारी घबरा रहे हैं तो साधारण लोग तो फिर घबराएंगे। तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और सभी पूज्य संतों से अनुमति चाहता हूं कि मुझे जाने के लिए अनुमति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस मंगलमय भोजन के बाद अब सभी आए हुए अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीरामलाल गोयल जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। मैं रामलाल गोयल, जयराम आश्रम का मुख्य ट्रस्टी, आप सभी का जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। मुख्य तौर पर श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को बहुत ही सुंदर ढंग से आगे बढ़ाया है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री मोदी ने जो कदम बढ़ाया है, इस आश्रम में आकर के गुरु जी के आशीर्वाद के लिए, गुरु जी को पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री मोदी को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जयराम आश्रम के ट्रस्टी वो शुभ काम करेंगे जिससे इस सरकार का और मुख्यमंत्री जी का नाम आगे बढ़े और ये सरकार कुंभ के मेले को उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में 2 गुना बढ़िया कर सके। ये बढ़िया तो होने वाला है, मोदी जी को मां गंगा ने बुलाया था
और मुख्यमंत्री जी मोदी जी के बहुत अनुयायी हैं, तो माँ गंगा मुख्यमंत्री जी को भी आशीर्वाद देगी और उत्तर प्रदेश से ये दुगना बेहतर कर सकेगी। दुगना मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अर्ध कुंभ था, ये महाकुंभ है और इस कुंभ में हरिद्वार के संत समाज संस्थाएं और पर्टिकुलर से जयराम आश्रम और उसके ट्रस्ट मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। जहां वो कहेंगे वहां खड़ी रहेगी ये संस्था और उनके नाम को आगे बढ़ाने में, बड़ा करने में जो कुछ भी करना पड़ेगा उसका मैं पूर्ण आश्वासन देता हूं। जयराम संस्था में मुख्यमंत्री साहब ने आकर के हमारे गुरु जी के नाम को बड़ा किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साधु संतों का, जयराम आश्रम के सभी ट्रस्टीगण का और जयराम आश्रम से जुड़े हुए सभी बंधुजनों का जो इस संस्था को बहुत बेहतरीन आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। एक छोटी बात जो व्यावसायिक बात में आप सब लोगों के सामने जयराम संस्था के बारे में बोलूं, ये मैं बोलूं कि गौ सेवा में है, यात्री सेवा में है, स्वास्थ्य सेवा में है, शिक्षा में है, वो सब ठीक है। इसके प्रबंधन का जो विषय है, प्रबंधन की जो टेक्निक है, वो दूसरी संस्थाओं से भिन्न है। हम सब ट्रस्टी लोग मिलकर के महाराज जी के साथ में मनन करते हैं, एक योजना बनाते हैं और महाराज जी एक कुशल ढंग से उसका निवारण करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट आते हैं और उन रिजल्ट्स को हम रिव्यू करते हैं। हम संस्था की निरंतर प्रगति के लिए सचेत रहते हैं और ये सचेत संस्था मुख्यमंत्री जी की सेवा में हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद। ठीक है।